जीसीसी होटल और हमारे जो भाई है ना, और उनके लिए हम लोग जो होटल वगैरह देखने आए थे। अच्छा गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मनी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बढ़िया रहना। सो दोस्तों, आज की दोपहर हो रही है हमारी जीसीसी होटल, जो कि हम आए थे। और मैं सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते, क्योंकि घर पे यार टाइम नहीं मिल रहा था, है ना। तो हम आए थे जीसीसी होटल और हमारे जो भाईजान है ना, और उनके लिए हम लोग जो होटल वगैरह देखने आए थे, चेकिंग करने आए थे। तो मैं सोचा चलो ना, मैं क्यों ही मतलब ये ब्लॉग क्यों ना बना दूं। तो हम जो पूरा मतलब रूम पूरा जो एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी हमारे साथ दानू भाई है। तो आज दानू भाई हमारे साथ कैमरे में नहीं है, बट ट्राई करूंगा, अगर वो आते हैं ना तो मैं दे दूंगा। तो आज स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, पहले ना क्योंकि यार एक बात बताऊँ, मैं आया था फर्स्ट टाइम होटल पे, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम होटल में गया नहीं हूँ कभी, बट मैं आया था फर्स्ट टाइम, है ना। तो इतना अच्छा खासा फीलिंग आ रहा है। और भाई साहब ऊपर से गुड न्यूज क्या मालूम, iPhone 14 से अपना ब्लॉग शूट हो रहा है। पहले ना अपन ये फोन से शूट करते थे, ठीक है, ये फोन से, जो कि हमारा OnePlus Nord CE 2 देख रहे हो, हम इससे शूट करते थे। लेकिन आज यार समझ रहे हो भाई के नसीब। चलो कोई ना, आज आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ना पहले आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है, एंट्री सेक्शन, ऊपर से आपको ये सब कुछ मिल जाता है, कॉफी, फिर चाय, शुगर, और ये सब जो किटली है, और ग्लास, फिर ये दो कप बॉटल वगैरह, ये सब आपको धीरे धीरे मिल जाती है। और साथ में ना यहाँ पे आपको मतलब क्लॉथ के लिए भी मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको क्लॉथ वगैरह रखना है या कुछ करना है ना, वो मिल जाता है। फिर यहाँ पे आते सीधा लेफ्ट साइड आपको मिलता है टेबल, जिसमें ना आपको चॉकलेट, बिस्किट, फिर ये थोड़ा बहुत पेपर, क्या बोलते उसको हाँ, वेपर वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे वाइन है, जो कि ना मतलब हमारे काम की चीज नहीं है भाई साहब, मैं जब दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलना नहीं कि भाई आप ये सब करते हो नहीं करते, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये जस्ट ऐसे शो। क्योंकि ना यार देखो, सबसे पहली बात कि ये जो होटल है वो 5 स्टार है ना, और मुंबई में ये सब होता ही है, ठीक है। बट ये ना ये कोई फोर्सफुली नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते। बट ये हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है, तो इसको हटा दो साइड में। और बाकी यहाँ पे आपको बार कोड वगैरह मिल जाता है, ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है होटल की, तो कुछ इस तरीके का हमारा जो यहाँ का टेबल है। अब चलो आगे और भी सरप्राइज है, बाकी यहाँ पे और एक टेबल मिल जाता है आपको, जो कि मतलब आपको मीटिंग वगैरह करनी है, या तो आपको बात करनी है अपने दोस्तों के साथ, और खाते पीते आपको जो मीटिंग वगैरह करनी है ना, तो ये आपको होता है। और आज बाकी आगे तो एक मिरर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब आप अपने बाल वगैरह बना सकते हो, बस एकदम रावस, और फोटो वगैरह देख सकते हो क्या किस तरीके का हमारा कपड़ा है, क्या क्या नहीं हमारा, तो यार क्या ही बता। बट फिर यहाँ पे ना आपको एक टेबल वगैरह मिल जाता है, एक चेयर मिल जाती है, और एक पूरा लंबा सोफा मिल जाता है, और यहाँ पे मस्त बैठ के चिल मारना, और सामने टीवी है ना, सामने की जगह टीवी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आप मस्त एकदम चिल कर सकते हो भाई साहब, एकदम मस्त, है ना। बाकी लंबा सोफा अगर आप 4-5 या 6-7 आदमी हो ना, तो आप आराम से कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे ये होता है अपना यहाँ पे काम, जो कि एडिटिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह का काम, पढ़ाई लिखाई, या तो बिल वगैरह बनाना, या तो कुछ समझ रहे हो आप कि कुछ ऐसा लिखने का काम है, तो टेबल की जरूरत पड़ती है ना। साथ ही साथ भाई साहब लाइट भी दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमारा टीवी, और वो ना लास्ट में दिखाते हैं, ये लास्ट में दिखाते मस्त सरप्राइज है टीवी। और यहाँ पे फोन आ जाता है, जिसके तरफ फोन कर सकते हो, हेलो प्लीज कॉफी सेंड मी फॉर मी, तो इंग्लिश अपनी यार इंग्लिश अच्छी खासी नहीं है, कोई ना फिर भी आप थोड़ा इग्नोर कर लेना। और बाकी यहाँ पे आपको जो है ये सब मिल जाता है, बाथरूम वगैरह का, इसका जो कि यार थोड़ा बहुत पे बन लेता है, आपको पे करना पड़ता है उसके लिए, बट कोई ना। और बाकी वापस से एक बार कोड मिल जाता है, और यहाँ पे ना आपको लिखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, आप लिख के देख सकते हो। चलो कोई ना। और बाकी यहाँ पे ना अपना टीवी है, और सेटअप बॉक्स वगैरह लगा हुआ है, क्या ही आ जाओ। अभी ना वापस से इधर आप इस तरफ, यहाँ पे वापस से बैठने के लिए एक जगह मिल जाती है, कि अगर आप ना यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो ना, यहाँ पे अगर ये चीज पे अगर आप नहीं आ सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। और बाकी चलिए अब चलते हैं अंदर। और यार देखो, मैं ना कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं आपको ये बताऊँ। और एक चीज और बताना भूल गया, क्योंकि ना मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो मैं समझ रहा हूँ अपने घर को समझना, मतलब मैं ना फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं पे भी गलती हो रही है ना यार, तो माफ कर देना है। बाकी यहाँ पे देखो यार, आर्ट्स वगैरह दिया हुआ है, कि अगर आप देखोगे ना यार, एक्चुअली ये
मतलब बहुत मेहनत से बना है वो आर्ट है, जो कि हाथ हैंडवर्क है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर और अब बात करते हैं अंदर की। खोल दूं? खोल दूं? अंदर खुलता। ये बॉय। और चलो पहले सबसे पहले ना लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट सारी की सारी ऑन कर देते हैं। फिर से देखो यार, अंदर आते ही आपको ना पहले इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ये अपना रूम है जो कि मस्त एकदम खतरनाक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको टीवी मिल जाता है, सबसे पहले हॉल में टीवी मिला था, एक टीवी यहाँ पे मिल रहा है आपको। बाकी एक बेड मिल जाता है यहाँ पे मस्त, जो कि 3 दिन आराम से आ सकते हैं इसमें। और फिर से ऐसा एक लग्जरी चेयर मिलती है यहाँ पे, जो कि आप मतलब बैठ के राजा वाली फीलिंग दे सकते हैं कि आप ही राजा है इस रूम के, इस रूम के। ठीक है, इस होटल के नहीं, इस रूम के। कोई ना, बाकी और एक यहाँ पे आपको ना टेबल वगैरह मिल जाती है, जो कि आपको मतलब ये यहाँ पे कुछ रखने के लिए काम आ सकता है, जैसे कि आपका कोई आधार कार्ड हो गया, फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, पर्स मोबाइल वोबाइल सब भी मिलता है। ऊपर से होल्डर वगैरह भी मिलता है, स्विच वगैरह है, फैन वगैरह का पूरा रूम आप जो कंट्रोल कर सकते हो। ये रहा हमारा बेड, जो कि हम एक बार बैठ के देखते हैं। अरे यार इतना कम्फर्टेबिलिटी है, ओहो मस्त। चलो कोई ना चलते थोड़ा आगे। तो आपको सर यहाँ पे आप बैठ के एक टूल दिया हुआ है, एक टूल जो कि मतलब यहाँ पे आप जो पूरा इस तरीके से तैयार हो सकते हो। और बाकी यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन करते हैं, देख रहे हो भाई साहब क्या ही लुक आ रहा है, देखो ओ भाई खतरनाक। तो कुछ इस तरीके का है, बाकी अंदर चलते, अंदर भी कुछ है। ठीक है, अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे ना ये चीज सारी दी हुई है, सबसे पहले आगे जाओ। यहाँ पे ना आपको एक मिरर एक और मिल जाता है, जो कि आप रेडी हो सकते हैं मस्त। और बाकी यहाँ पे हीटर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप मतलब क्या बोलते इसको, एक मिनट, ये क्या बोलते एकदम। और यहाँ पे ना आपको मतलब वॉश बेसिन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप मतलब बाल वगैरह सुखा सकते हो और मस्त अपना वॉश कर सकते हो। फिर से वापस से यहाँ पे और एक मिरर आ जाता है, जो कि आप वापस से यहाँ पे अंदर आके भी फ्रेश हो सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको टॉवल वगैरह मिल जाता है, थोड़ा बहुत ट्यूब वगैरह मिल जाती है और जेल वगैरह मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। और ऊपर से एक फोम भी आ जाता है, जिसके थ्रू आप मतलब तैयार वगैरह हो सकते हो। और डस्टबिन भी आया हुआ है, और नीचे सेक्शन है जिसमें भी टॉवल रखा हुआ है ना, टॉवल वगैरह। अभी आप अंदर आ जाएगा, अब आ ठीक है, ये जिसके अंदर आप दोनों मस्त आराम से नहा सकते हो भाई साहब एकदम, है ना। ये 5-स्टार होटल का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा। और बाकी यहाँ पे आपको ट्यूब वगैरह मिल जाती है, शैम्पू वगैरह मिल जाते हैं, जिसके थ्रू मतलब आप नहा धो सकते। और चलो ये काम खत्म हो गया। अंदर ना आपको और एक चीज, बहुत सारी भी चीज मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको शावर वगैरह भी मिलता है, जो कि हमारे काम का तो है, हम शावर चलाते नहीं ना, हम देसी आदमी है भाई साहब। और यहाँ पे आते ही वापस आपको एक मिल जाता है ये, और अंदर वापस एक फ्लाइट होता है। तो यहाँ पे आपको टॉयलेट देखने के लिए मिल जाता है, और टॉयलेट में इतना कुछ नहीं है, बट कोई ना, चलते चलते आपको पूरा एक्सप्लोर करना है ना। आ जाओ अभी ना मेन चीज, लास्ट मेन चीज दिखा तुम, आ जाओ बोल दू। ये बॉय चेक करे पूरा, ये पूरा लोकेशन अगर आप चेक करो किस तरीके का पूरा लोकेशन है यहाँ पे। और खतरनाक है, खतरनाक। नीचे ना प्राइवेट पूल दिया हुआ है, मतलब ये रहा नीचे प्राइवेट पूल, जो कि आप देख सकते हैं नहाने के लिए। और ये हमारा कुछ इस तरीके का रूम है, जो कि हम आए थे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और क्या ही बता सकते, बाकी आप ना सिनेमेटिक वगैरह चेक कर लेना इसमें कि यार किस तरीके का है और क्या क्या है। एक आपको दो बोतल, जो कि इसमें जो है मतलब सादा पानी रहता है, और ये रहता है जो कि फिल्टर पानी रहता है।
पानी रहता है और एक कैन है फ्रूटी है और वापस एक कैन है जो कि रेडमिल का, जो कि ये तो चल सकता है कोई ना, बट हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बड़े भाई के लिए है। तो कोई ना, आज के लिए इतना ही। ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं था, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये तो जस्ट हम आए थे तो मैं सोचा कि ये होटल का मुझे बनाना चाहिए इसलिए मैं बना रहा था, बट कोई अपना प्रोफेशनल लोग नहीं है। तो कोई ना, बस आप अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहना। होप सो करते कि आज का लोग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लोग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते सी बजा लोग के साथ, बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।